सीन से सुर और सीन से सुर का सफर, सीन से सरगम और सीन से सारा संगीत। आई वेलकम यू ऑल टू आवर सीन स्टूडियो। और इसमें हमारे ज़बरदस्त फनकार कुछ नई कुछ पुरानी चीज़ें लेकर आते हैं और एक मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ आपके सामने पेश करते हैं। सो बिफोर एनी डिले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर आर्टिस्ट टुडे। ये है उस्मान अली रईस। कैसे हो आप? मैं बेहतरीन, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आपके पूरी फैमिली को तो मैं बहुत जानती हूँ और मेरे ख्याल बहुत लोग भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। आपको आज ज़रा ज़्यादा जानेंगे, ठीक है? तो आप पहले तो ये बताओ, फैमिली की तो मैं बात करती हूँ अभी थोड़ी देर में, आप ये बताओ कि अपने कंधों पे इतना लेगेसी का एक बोझ लेके चलना आपको कैसा लगता है? इनिशियली तो बहुत ज़्यादा मुझे फील होती थी ये बात, लेकिन फिर मेरे वालिद ने मुझे बहुत इस मामले में लीनियंट रहे। उन्होंने कहा कि आप वो भी करें जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब एक लेगेसी के प्रेशर लेंगे तो फिर आप वो उस तरफ नहीं जा सकेंगे। तो आई थिंक साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ दोनों चीज़ों को। वेरी गुड, ओके। कभी उन्होंने पुश नहीं किया? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं किया कभी। दैट इज़ वेरी गुड। अब जो आपसे पिछली जनरेशन, आपके वालिद रईस अहमद, सारे जानते हैं उनको, वायलन में उनका मुकाबला नहीं पूरे पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद तो खैर बहुत ही फख्र करता है क्योंकि झूम झूम जाता है वो उनके साथ। उनकी लेगेसी है, फिर आपके उनके भाई अनीस भाई जो हैं वो, और फिर नफीस जो अब नापा में है, तो ये सारे ही उस्ताद हैं और सारों का बहुत नाम है। वो म्यूज़िक का डिपार्टमेंट हेड करते हैं कराची में। सो मगर आपके जो दादा थे, मुझे तो उनकी बहुत यादें हैं, उस्ताद फ़तेह अली खान, और उनका सितार जब बजाते थे, और वो जब मुझे जो बहुत याद है ना उनकी, वो ये है कि वो उसका एक डूडना सा मुंह में पकड़ लेते थे और दांतों में दबा के और वो बजाते चले जाते थे, और फिर हमें पता चला कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता हियरिंग कम हो गई थी, तो वो वाइब्रेशन से उसको पिक करते थे। मगर क्या वो बजाते थे और क्या बड़ी लेजेंड। बिल्कुल, यू नो, सो हैविंग ऑल दैट इन योर पास्ट एंड हैविंग द बर्डन, आई वुड से अगेन, हां, आपके बहन भाइयों में एक आप गाते हो, आपका मुझे मालूम है, लेकिन आपके जो दो और बहन भाई हैं वो म्यूजिक से उनका नहीं है, उनका वो इस प्रेशर में नहीं आए। नहीं नहीं, हैं दोनों आर्ट के ही उसमें हैं, कैटेगरी है। हाँ, बहन तो फाइन आर्ट्स। हाँ जी, बहन मेरी फाइन आर्ट्स में है और भाई जो मेरा है वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इस साइड पे। तो क्रिएटिव माइंड्स ही हैं। जी जी, मगर गाते गुनगुनाते तो होंगे। हाँ जी, उनकी लिसनिंग एक तो बहुत अच्छी है, और बहन की, मेरी छोटी बहन की आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस मामले में बहुत ज़्यादा शाय है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप बताओ सबसे पहले क्या सुनाओगे? जी, मैं तो इस बात को बहुत एजाज समझता हूँ कि मैं मैडम नूर जहाँ का गाना आपको उससे शुरुआत करते हैं, आई थिंक, क्योंकि वो उनका तो मैं वैसे ही डाई हार्ड फैन हूँ हमेशा से। और निसार बज़मी की अगर मौसीकी हो तो फिर और मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो लाखों में एक मूवी के साथ। जी जी, ये गाना है बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा। बहुत बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मुश्किल से हुआ तेरा मेरा।
अच्छा अब आप ये बताओ कि आपने तो अभी तक शादी वादी नहीं की, नहीं। तो ये आपका ख्याल था कि जरा सिंगर हूँ, थोड़ा कूल लगूँ, शादी वादी अभी ना करूँ, इसलिए? इसकी मेन वजह मेरा म्यूजिक ही है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी डेडिकेशन से और फोकस से अपना म्यूजिक करता रहूँ अभी फिलहाल। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियाज और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बाज़ औक़ात मॉडर्न म्यूज़िक में इंसान आ जाए तो उसको लगता है कि ठीक है चलता है, जी यू नो क्लासिकल नहीं आप गा रहे कि पकड़े जाओगे, जी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इट सीरियस। इट इज़ मुझे कुछ टाइम हुआ है इसको रियलाइज़ किए हुए कि वेस्टर्न गायकी भी मैं शौक से सुनता और गाता हूँ, लेकिन मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि जो ईस्टर्न की रियाजत थी मेरी वही मुझे वेस्टर्न में काम आ रही है। तो आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप ईस्टर्न आप रियाज ना करें और आप सोचें कि आपने वेस्टर्न गाना है, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो अब आपसे हम एक नई गजल सुन रहे हैं, जी, ठीक है, कॉम्पोजिशन ये खुर्रम लतीफ़ी की है, जी, ठीक है, और आप क्या बताओगे? बैठे हैं चैन से, मेरी खुद बहुत पसंदीदा ये आइटम है, शायर है रहमान फारस। चलिए जी सुनाइए। जी बताना तो है नहीं, क्यों पूछते
बताना तो है नहीं, हम बेघरों का को ठिकाना तो है नहीं, हम बेघरों का को ठिकाना तो है नहीं। बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का को ठिकाना तो है नहीं, हम ये बताओ कि घर में ज्यादातर सितार से शुरू करें, अगर आपके दादा थे सितार, फिर नफीस की सितार, फिर ये कीबोर्ड, हाँ जी कीबोर्ड अनीस का कह लो और वायलिन, तो ये तो सारा इंस्ट्रूमेंटल सारा सिलसिला चल रहा था, तो व्हाट मेड यू टर्न इनटू सिंगिंग? आई थिंक अपने दिल को फॉलो किया मैंने ऑनेस्टली। मैं मेरे वालिद से मेरे दादा ने पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मुझे वायलिन सीखना है। उसी तरह मेरे वालिद ने मुझसे पूछा था, तो मुझे लगा था कि उस टाइम मतलब मेरी जो एक पैशन था वो बहुत पीक पे था मेरा, तो मैंने उनको तब कहा था कि मुझे गाना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये अपनी बात, कि उनका जो दादाजी का मेरे सितार का जो स्टाइल था वो वायलिन में आया मेरे वालिद के पास, रईस साहब के पास। उसके बाद जो उनके वायलिन का स्टाइल है वो मुझे लगता है वो गाने में, हाँ जी गाने में है। वो आई डोंट नो कि वो मेरी उसकी इंटेंशन थी कि नहीं, लेकिन वो हो गया, तो ये इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ। अच्छा आप ये बताओ, आपको पुराने फिल्म सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं? बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैंने हमेशा से मेरी बहुत लिसनिंग रही है पुराने गानों की, फिल्म सॉन्ग्स हों या प्राइवेट हों, तो उसने ही मुझे आई थिंक निखारा है मेरी गायकी को। आज जो मैं गा रहा हूँ वो उनको सुन के उनको गा के। घर में बजा करते थे? बहुत बहुत। मेरी अम्मी जो है, मेरी मामा को बहुत ज़्यादा मतलब शी इज़ एन अमेजिंग लिसनर। उनको इतनी बारीकी से वो सुनती हैं, आई थिंक वो बचपन से मेरे कान में पड़ता रहा सब, तो उसका रिजल्ट ये आया। तो आपसे फिर सुनेंगे हम ना। बिल्कुल। और आपको मौसीकारों में कौन पसंद है? आई थिंक मुझे मेरा कोई स्पेसिफिक कुछ कोई फेवरेट नहीं बस है, पुराने जो मेलोडियस मुझे कुछ भी जो मेरे दिल को लग जाए तो वही मैं। क्योंकि रईस भी जो बजाते हैं वायलिन पे वो सभी कुछ बजाते हैं, और पुराने फिल्म सॉन्ग्स तो बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं, कब से मेरा ख्याल 40s से वो बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुराने सॉन्ग्स। तो आपसे फिर एक, हम इतना पुराना तो नहीं लेकिन आपके हिसाब से शायद पुराना, और वो 70s का जी बिल्कुल, और मेहदी हसन खान साहब का है। आपने उनसे इतना ज़्यादा इस टाइप के नहीं सुने होंगे, लेकिन उन्होंने इसमें भी बहुत कमाल किया, क्योंकि वो थे ही बहुत लेजेंडरी हमारे आर्टिस्ट। कभी मैं सोचता हूँ, बिल्कुल रॉबिन घोष की मौसीकी जी, है जी, और फिल्म आईना का ये था 1975। तो आप सुनाओ हमें जरा जदीद अंदाज। चले चले कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।
बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में, ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर ना दिखाना मुझको दोबारा। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा ही है भूल ही जाऊं। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। उस्मान आपने बहुत अच्छा गाया, मेरे ख्याल अगर मेहदी हसन साहब होते ना यहाँ वो भी ज़रा खुश होते कि चलो आज के बच्चे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तब आई थिंक होते तो मेरी इतनी जरूरत ना होती कि मैं उनका कुछ बड़े तो बड़े होते हैं, लेकिन यू नो यंग आर्टिस्ट भी उस वो अंदाज अपनाते हैं इन मॉडर्न वे, तो दैट लुक्स गुड। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि जो आपके बचपन से आपको ये गाने का शौक़ था, आपने कब जाके सोचा कि भाई आई वॉन्ट टू परसू दिस एज माई करियर एज अ प्रोफेशन? तो मुझे आई थिंक ओ लेवल्स में मुझे इसकी कुछ समझ बूझ आई थी कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन ले सकता हूँ, लेकिन हमेशा से मुझे ये याद है कि बचपन में मुझे एग्जैक्ट अपनी एज नहीं याद, लेकिन मैं बहुत छोटा था और वो ख्वाब मुझे अभी तक याद है। मुझे नॉर्मली ख्वाब याद नहीं रहते, लेकिन वो ख्वाब मुझे याद है कि मुझे वो ख्वाब आया था कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और मैं उनको उनके सामने गा रहा हूँ। ये मेरी अभी तक मेमोरी है जो मुझे बचपन में, और मैं अगर मुझे कोई कहे तो मैं कोई तो कोई फिल्म का सीन लग रहा मुझे। exactly. बचपन में ख्वाब थे। हाँ वंडरफुल। तो ओ लेवल में क्या स्कूल में कोई गाया था, तारीफें शरीफें हुई आपकी? मैं नेचर वाइज मैं बहुत ज़्यादा शायद था, मतलब आप कह लें अब उतना नहीं हूँ लेकिन था। नहीं हमें अंदाजा हो रहा है। तो मुझे ओ लेवल्स में, इवन ए लेवल्स में भी मुझे मतलब दो तीन दोस्तों ने मेरी, एक दफ़ा ऐसी मैं गुनगुना रहा था, उन्होंने आवाज़ सुनी और वो ए लेवल्स हमारा ख़त्म हो रहा था। अच्छा। तो वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा यार ये तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम गाते क्यों नहीं हो? तो मेरा थोड़ा सा मतलब मैंने आराम आराम से वो चीज़ डेवलप की कि मुझे लोगों के सामने भी गाना है। अगर मुझे आपने ये नहीं स्कूल में कभी परफॉर्म नहीं किया जो हमारे बच्चों के फंक्शंस होते थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने मेरा थोड़ा सा एक चुप के रहते थे। हाँ जी हाँ जी, ए लेवल्स तक मैं बहुत चुप के रहा, उसके बाद फिर जब मैं निकला तो फिर मैंने फिर मैं बस बहुत ही बस ये अल्लाह की देन है कि मुझे उसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है। यानी आज तो आप बड़े आराम से तहम्मुल से गा रहे हैं हमारे लिए, लेकिन मैंने आपको वैसे भी स्टेज पे देखा है, आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होती है। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा तो उस्मान आप बताओ कि अब हमें क्या आप सुनाओगे? कॉन्टेम्प्रेरी गजल है, रहमान फारिस साहब की लिखी हुई, तू मेरे रूखेपन पर दिल मिला नहीं। और ये भी खुर्रम की, ये खुर्रम लतीफी साहब ने इसको कंपोज किया। सुनाओ जी। दा 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 दा
जितना बेमुरवत अब था नहीं, तू मेरे रूखे पन पर दिल मिला नहीं, मैं जितना बेमुरवत अब हूँ था नहीं ताने। खुशी बेहद सुहानी कैफियत है, खुशी बेहद सुहानी कैफियत, मगर गम से ज्यादा देर पाने, तू मेरे रूखे पन पर दिल मिला नहीं, मैं जितना बे मुरवत अब हूँ था नहीं। मेरे अशकों को मत बहलाए जाए, मेरे अशकों को मत बहलाए जाए, ये मेरा मसला है आपका नहीं, तू मेरे रूखे पन पर दिल मिला नहीं, मैं जितना बे मुरवत अब तारे तारे। तकल्लुफ छोड़ फारिस पांव पड़ जा, अभी वो जाने वाला है गया नहीं, अभी वो जाने वाला है गया नहीं, तू मेरे रूखे पन पर दिल मिला नहीं, मैं जितना बेमुरवत अब तारे तारे da 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 da
उस्मान, पहले तो मैं कहूँगी आपने बहुत खूबसूरती से गाए, जो अभी तक फिल्मी अंदाज के भी और जो गज़ल भी गाई, बहुत बहुत अच्छे गाए आपने। शुक्रिया। आप मुझे बताओ कि जो नया मौसीकी का आजकल पूरा रिवाज है, जाहिर है अंदाज बदलता रहता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, खासतौर पर जो फ्यूजन वाला सारा सीन है? आई थिंक अगर कोई भी चीज़ आप स्टडी करके और ढंग से करें तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसका सब्जेक्ट होना चाहिए बहुत अच्छा और उसकी आपको नो हाउ होना चाहिए उसका, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आप कह लें कि एटलीस्ट अबव एवरेज आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई थिंक दौर हैं, दौर बदलते हैं, उसके साथ मौसीकी भी बदलती है और उसकी एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। आपने फॉर्मली सीखा था? जी जी, मैंने 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 वालिद से अपने फॉर्मली सीखा था। जी फॉर्मली कह सकते हैं, आई थिंक हाँ जी। मैं उनका देखो, फॉर्मल वो होता है जिसमें डांटे खाए इंसान। अच्छा, मेरे वालिद का ये सीन है कि मतलब वो ऐसे हैं, वो बहुत मीठे आदमी हैं, वो वैसे ही नहीं डांटते। जी जी, वो बहुत मीठे हैं, लेकिन उसका इस मीठेपन का उनका साइड इफेक्ट ये है कि वो जब उनको जब गुस्सा आए तो उनका सिर्फ देखना होता है। अच्छा। क्योंकि जब आपको पता है, एक बंदा जब नहीं करता गुस्सा तो आप उसके यूज टू नहीं होते, और जब वो फिर उसको गुस्सा आता है तो फिर जब वो देखते ही हैं मुझे, तो मैं समझ जाता हूँ और मैं फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता हूँ। ऐसे जो बड़े उस्ताद हैं उनसे मैंने ये सुना है कि बहुत जल्दी शोहरत नहीं मिलनी चाहिए, तो जब वो सिखाते हैं ना तो दे मेक श्योर कि आप पॉपुलर ना हो, तो पहले वो खूब डांट वांट खिला के आपको ग्रूम करके, सीजनिंग खूब करके आपकी, तो फिर वो आपको छोड़ता है मैदान में, ताकि अब आपका दिमाग खराब नहीं होगा। बिल्कुल। और ये मेरे, क्योंकि मेरे उस्ताद मेरे वालिद हैं, तो उस वजह से मुझे मेरी उनके साथ अटैचमेंट इतनी है कि वो मुझे डांटते हैं तो मेरे से फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसके बाद उनको पता होता है कि यार मैं इसको डांटूंगा तो ये उसको नहीं ले सकता। हाँ। तो वो फिर अपने अंदाज से मुझे समझाते हैं प्यार से, मगर वो भी बहुत हम्बल है, और मैंने देखा आप भी बहुत हम्बल हो। जी जी, बस आई थिंक ये आर्ट ही है जो आपको, जिसके अंदर आर्ट होता है और जिसके दिल में खुदा डिज़ायर डालता है, तो आई थिंक वही बंदा, उसमें उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही हम्बलनेस में आ जाता है। अच्छा, आखिर में एक फिल्मी अंदाज का गाना आपसे सुनेंगे हम। जी, उस गाने के बोल हैं दिल तेरा हो गया, और ये बहुत ही खूबसूरत स्केल में है जो मुझे बहुत पसंद है, और इसमें फ्लूट के साथ एक जुगलबंदी है, तो आपको सुन के बहुत मजा आएगा। अब आप साजों में आ गए ना। जी तो आपने सही कहा, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूँ, है ना, साजों का प्यार भी और बिल्कुल गाना भी। बिल्कुल, चलो जी, लवली, गो अहेड। दिल तेरा हो गया, दिल तेरा हो गया मेरे साजना, दिल तेरा हो गया मेरे साजना, तू जाने जा दिल तेरा हो गया मेरे साजना, साजना रे, दिल तेरा हो गया मेरे साजना। दिल का दीवाना पन दे
हर खुशी है तुझसे मेरी जिंदगी तू रोशनी तू हर खुशी तू तू मेरी जान दिल तेरा हो गया मेरे साजना दिल तेरा हो गया मेरे साजना तू जाने जा तू मेरे बा तू जाने जा तू मेरे बा दिल तेरा हो गया रे दिल तेरा हो गया मेरे साजना साजना रे दिल तेरा हो गया मेरे साजना।